नमस्कार शर्मा जी, टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जियो मीडिया केबल आपको जो है वो दो टाइप की मिलती है। पहली वाली वो जिसमें आप अपने नॉर्मल टीवी को, जिसमें एचडीएमआई का पोर्ट नहीं होता है, उसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे अपने जियो फोन के साथ में, तो ब्लू वाला जो बॉक्स है इसमें आपको मिलता है ऑप्शन अपने फोन को नॉर्मल टीवी, जिसको आरसीए केबल बोलते हैं, उससे कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है कनेक्ट टू योर जियो फोन, आरसीए केबल, वॉच योर फेवरेट सॉन्ग, म्यूजिक, ये सब। यहाँ पर कुछ डिटेल्स भी लिखी गई हैं कि इसको जो है वो मैन्युफैक्चर बाय इनोपिया टेक्नोलॉजी है, इंपोर्ट किया है इसको रिलायंस ने, ये जो है वो फिलीपींस में बनाया गया है। और यहाँ पर जो कीमत है वो लिखी है 1499 रुपये, लेकिन आपको बहुत ही कम कीमत में जो मिलने वाला है। अगर हम कंपेयर करते हैं सेम एचडीएमआई वाले से, तो उसमें भी सेम चीज़ें हैं। आपको अपने एचडी टीवी को कनेक्ट करना है, एचडीएमआई इनपुट देना है और आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको जो चीज़ें यहाँ पर सेम ही दिखाई दे रही हैं। हम आपको जो है बॉक्स ओपन करके दिखा देते हैं कि ब्लू वाले में जो है किस तरह से निकलता है सील। कुछ यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। देखिए बॉक्स कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको राइट साइड में आपको जो है वो डिवाइस मिलता है, उसके बाद में आपको एक केबल मिलती है ऑडियो वीडियो इनपुट के लिए, उसके बाद में एक वारंटी सर्टिफिकेट दिया गया है। यहाँ पर आपको एक यूएसबी से माइक्रो यूएसबी केबल दी गई है जियो मीडिया डिवाइस जो है उसको पावर देने के लिए। और ये जो है वो मेन डिवाइस है। सामने की तरफ आप देखेंगे जियो की ब्रांडिंग लिखी गई है लेफ्ट और राइट साइड में। यहाँ पर एक साइड में आपको जो है माइक्रो यूएसबी का पोर्ट देना है जिससे आप फोन कनेक्ट करेंगे। पीछे की तरफ यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी गई हैं और यहाँ पर आपको जो 3.5 जैक दिया गया है जिसपे आप इसको कनेक्ट करेंगे। सेम तरह से जो रेड वाला बॉक्स है जो एचडीएमआई वाला है उसको भी हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर सेम तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं, डिवाइस मिलता है, एक माइक्रो यूएसबी यूएसबी केबल मिलती है और आपको इसमें जो है एक एचडीएमआई केबल अलग से आपको जो भी आपके साथ में टीवी में आती है वो लेनी होगी। यहाँ पर अब कर लेते हैं इसको टीवी से कनेक्ट। हमारे पास में यहाँ पर जो है हमारा मॉनिटर है जो एचडीएमआई को सपोर्ट करता है, तो उसको हम अपनी जो है उसमें डिवाइस में कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको जो है एचडीएमआई केबल कनेक्ट करनी है, उसके बाद में आपको जो डिवाइस है उसको पावर देनी है और उसके बाद में अपने फ़ोन से जो है वो कनेक्ट करना है। जैसे ही आप अपने जियो मीडिया डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन लिखा आता है सेट मी अप, तो उसके बाद में आपको जो है अपने फ़ोन को पावर देनी है। ये हमारा जो है फ़ोन है, अब मैं इसको जो है जियो मीडिया केबल जो है उसे कनेक्ट कर देता हूँ, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेटअप कर लेता है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके फ़ोन में इंटरनेट जो है वो चलना चाहिए। ये देखिए अपने अब आ गए हैं अपडेट और यहाँ पर लिखा आ रहा है रेडी टू कास्ट, तो मतलब कि आप इसे डायरेक्टली कास्ट कर सकते हैं। मेन्यू बटन आपको दबाना है, उसके अंदर आपको जो है आपका जियो टीवी मिलता है और जियो सिनेमा मिलता है, तो हम यहाँ पर जो है जियो टीवी को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या कुछ ऑप्शन मिलते हैं। तो आप कैटेगरी वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं स्पोर्ट्स आ रहा है, फूड आ रहा है, एंटरटेनमेंट दिए गए हैं, तो एक फटाफट से जो है वो चला लेते हैं। थोड़ा सा इंटरफेस अलग है स्मार्टफोन के मुकाबले में, लेकिन यहाँ पर ये चल जाता है। ये देखिए तो ये कलर्स एचडी है, कलर्स को चला के देख लेते हैं एक बार कि किस तरह चलता है। वॉल्यूम अप एंड डाउन का ऑप्शन आपको दिया गया है और लेफ्ट राइट साइड अगर आप करेंगे तो चैनल को जो है वो चेंज कर सकते हैं इस तरह से कुछ। ये देखिए मैं राइट साइड दबाया तो चैनल जो है वो चेंज हो गया और ये सोनी आ गया है। तो इस तरह से डायरेक्टली आप इसको टीवी को जो यूज़ कर सकते हैं। और मेरा जो डिस्प्ले है वो 2K है और क्वालिटी यहाँ पर बढ़िया आ रही है। आपका जो इंटरनेट है उसको मिलना चाहिए अच्छे से, मतलब कि अगर वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो आपको और ही बढ़िया जो है उसमें क्वालिटी मिल सकती है। ये देखिए म्यूज़िक की अगर बात करते हैं तो वो भी आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। एचडी चैनल है म्यूज़िक वाला, तो वो भी यहाँ पर जो एचडी क्वालिटी में चल रहा है, तो जिस तरह का जो चैनल है वही क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब आपको दिखा देते हैं अगर आपको जियो सिनेमा चलाना है तो आपको वहीं से जाना है वापस से अपनी एप्लीकेशन के अंदर और मेन्यू में जाना है, जियो सिनेमा ओपन करना है। ये ओपन कर लिया मैंने यहाँ पर और देखते हैं कि कौन सी मूवी या सीरियल हम चला सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पहले से लोडेड मिलेंगी, बिग बॉस है, सरकार 3, ये सब। तो मैं यहाँ पर जो है वो सिंघम चला लेता हूँ। ज़रा कहाँ गई सिंघम, ये रही, ये देखिए सिंघम मूवी मैंने यहाँ पर जो प्रेस कर दी और ये जो है वो लोड हो रही है। और इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी क्वालिटी एचडी में है, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। ये देखिए तो ये एक छोटा सा डेमो था जियो टीवी और जियो सिनेमा को अगर आपने फ़ोन के साथ में एचडीएमआई केबल के साथ में कनेक्ट करते हैं तो अपने मॉनिटर पे या टीवी पे किस तरह से देख सकते हैं। हालांकि हमारे पास में पुराने वाला टीवी नहीं है आरसीए वाला, तो हम आपको वो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन एचडीएमआई वाला है तो वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। शर्मा जी टेक्निकल के इस वीडियो को देखने का बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दिया गया रिव्यू पसंद आया होगा जियो मीडिया केबल का डिवाइस का। अगर आपको कोई सवाल है जरूर से बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आपको उसका जल्द जवाब देने की। आप बने रहिए हमारे साथ और बोलते रहिए भारत माता की जय।